नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। एक सुनील भाई ने जो बात कही, मैं उसको आगे उसको पकड़ के अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में एक संवादहीनता पैदा हो रही है लगातार, और उस संवादहीनता अगर हम शिक्षक समुदाय की बात करें तो उनके बीच में भी, क्योंकि शिक्षक भी उसी समाज का हिस्सा है जिसमें बाकी और लोग रहते हैं, तो वो संवादहीनता दूर करने के लिए बहुत तरह के प्रयास हो सकते हैं। उसमें बहुत सारी पत्रिकाएं हमें चाहिए, पंचायती जी जैसे साथी जो पत्रकार हैं उनके अखबार चाहिए, उनकी मैगजीन चाहिए और तमाम तरह का मटेरियल चाहिए हमको। लेकिन उसके साथ में जो एक और बात इस बात से हुआ कि हम अब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में रह रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया, फेसबुक की दुनिया में हम आज की लाइफ में जी रहे हैं, तो इंटरनेट भी एक बड़ा माध्यम है। तो जिस पोर्टल की बात हो रही है, आप मेरा ख्याल है आप सब लोगों के पास में ये एक पोर्टल है और आपने उसकी एक बुनियादी जानकारी इसमें देख ली है। तो ये जिस पोर्टल की बात हो रही है, ये इंटरनेट पर चलता है या इंटरनेट के माध्यम से चलता है। इसके बारे में मैं पंजाबी जी को इस बात के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि आनंद जी जिसको पोर्टल है ये 3 साल पहले बना था और आज इस पोर्टल की नई डिजाइन जारी हो रही है, आपके मंच से जारी हो रही है, धमतरी के मंच से इस जो यहाँ समारोह हो रहा है वहाँ से जारी हो रही है। तो ये हमारा भी हमारा सौभाग्य है कि हमको इस मतलब इतने शिक्षकों के बीच में जहाँ शिक्षकों का सम्मान हो रहा है वहाँ इसको जारी करने का अवसर मिल रहा है। मतलब यहाँ से अब आज के बाद की डिजाइन सब लोग देख पाएंगे। अभी तक एक तरह से ये मतलब इसका विमोचन हुआ है आज भी ये हो। यहाँ देख सकते हैं ऊपर ये जो 20 साल लिखा है, यहाँ से ये भाषा है, यहाँ से आप अभी भाषा सुन सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ आ बना हुआ है आगे ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हिंदी, ये कन्नड़ है, ये हिंदी है और ये तमिल है। आप जिस भी बटन पे क्लिक करेंगे वो भाषा खुल जाएगी। अभी आपके सामने हिंदी हिंदी वाला हिंदी संस्करण खुला हुआ है, ये कह सकते हैं आप इसको। इसमें जो कोशिश है कि शिक्षकों के लिए जो कक्षा में वो बच्चों को पढ़ाते हैं वो पढ़ाने की नई विधियाँ, नई तकनीक, उनके अपने खुद के अनुभव, उन्होंने जो चीज़ें की हैं वो हम उनको दे पाएँ। दो हिस्से हैं एक जिसको हम कह रहे हैं, एक है कक्षा संसाधन और एक है शिक्षक विकास। ये एक कॉलम जो हमने बनाया है वो मदद है, मतलब अभी ये पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, लेकिन इसमें शिक्षक जो परेशानी महसूस कर रहे हैं या किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं या इसको पोर्टल को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में जानना चाहते हैं वो वहाँ जा करके पूछ सकते हैं। अब अगर मैं कक्षा संसाधन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये उसका एक परिचय आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद आप कक्षा संसाधन के रूप में क्या चीज चाहते हैं, लेख चाहते हैं, ऑडियो चाहते हैं या ई बुक चाहते हैं। ई बुक मतलब जो किताब इंटरनेट पे मौजूद है उसको ई बुक कहा जाता है। आप वीडियो चाहते हैं, वर्ष जो भी चाहते हैं आप उसमें एक क्लिक करेंगे तो उसको सेलेक्ट कर लेगा। आप विषय किस विषय का चाहते हैं, उदाहरण के लिए आप पर्यावरण और अध्ययन चाहते हैं वो क्लिक करें वो उसको भी कर लेगा। आप किस कक्षा स्तर की सामग्री चाहते हैं, मान लीजिए कक्षा 1 और 2 की चाहते हैं तो यहाँ कक्षा 1 और 2 के लिए भी इसमें सामग्री नहीं है तो हम उसको उसका स्तर बदल सकते हैं। कक्षा 3 और 5 की बात अगर करेंगे तो ये आप देख रहे हैं ये शिक्षकों के प्रकार। यहाँ पर एक ये खुल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में ये हमारे भारत में किस तरह के घर बनाए जाते हैं आप पहचान के बता सकते हैं क्या ये किस प्रांत का है, किस जगह का घर है।
ये बच्चों को अभ्यास के रूप में कक्षा में ये वर्कशीट का इस्तेमाल हो सकता है। तो एक तो ऐसे अंदर जाके और बहुत सारे सामग्री, एक और जो खास चीज है जो मैं आप सबके साथ आप सब साथियों के साथ बताना चाहूंगा, जो इसका एक विशेष फीचर है, इसमें हम ऐसी संस्थाओं, ऐसे व्यक्तियों और ऐसे शिक्षकों के बारे में भी बताना चाह रहे हैं जो शिक्षा में कुछ विशेष काम कर रहे हैं या जिनके काम से शिक्षा को, समाज को, एक समाज में शिक्षा की नई पहचान मिली है। उदाहरण के तौर पे जो साथी जो शिक्षा के आज पुरस्कृत हो रहे हैं वो सब इस हमारी श्रेणी में आते हैं, उनको हम हिंदी में यहाँ कह रहे हैं। वे जो खास हैं यहाँ पर एक राजस्थान के टोंक जिले के शिक्षक के बारे में इस कॉलम में हमने सामग्री दी हुई है, वो मैं आपको उनका एक छोटा सा वीडियो भी है वो मैं दिखाना चाहूंगा। ये शिक्षक हैं टोंक जिले टोंक में छोटे से कस्बे में, जो अपने बहुत सीमित संसाधनों के बीच में बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ा अपनी तरफ से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे शिक्षक इस पोर्टल के माध्यम से उनका काम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में सब जगह पहुंचे। आप जहाँ ये वीडियो है इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो उनका ये कुछ अपने काम के बारे में बता रहे हैं। तो आप सब इस पोर्टल के सदस्य बन सकते हैं, सदस्य बनने की प्रक्रिया बहुत आसान।